देखिए देश दुनिया की 10 अहम खबरें। भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज अहम बैठक होगी। ब्रिटेन को भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार बनाने के लक्ष्य के साथ आए जॉनसन रक्षा, ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा मामले में अपनी ओर से कई प्रस्ताव देंगे। मुक्त व्यापार की राह पर आगे बढ़ने पर भी बात होगी, जबकि भारत भगोड़े विजय माल्या नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की राह आसान करने पर जोर देगा। कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर शुक्रवार को सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर प्रस्तावित बैठक केवल गांधी परिवार और पीके के बीच होगी। पीके के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर सोनिया के साथ बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के भी शामिल रहने की संभावना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आज सुबह 11:35 बजे नगरोटा बगुंबा बाजार में रोड शो होगा। उसके बाद गांधी मैदान में नड्डा दोपहर 12:10 से 1:30 तक जनसभा को संबोधित करेंगे। नड्डा की चुनावी जनसभा में बीजेपी का कौन विधायक और पूर्व विधायक लोगों की कितनी भीड़ लाता है, इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। 3 दिवसीय यात्रा पर वाराणसी पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। उनका राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने का भी कार्यक्रम है। इससे पहले गुरुवार शाम जगन्नाथ ने सपरिवार काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेका और बाबा विश्वनाथ की विधि विधान से षोडशोपचार पूजन कर आशीर्वाद लिया। भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वन समितियों के सम्मेलन और पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह के साथ 7 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल और देश का हृदय प्रदेश अमित शाह का स्वागत करने के लिए तैयार है। जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के भारतीय अमेरिकी सीईओ विवेक लाल को रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडो अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रतिष्ठित एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें आज होने वाले एक ऑनलाइन कार्यक्रम में ये सम्मान दिया जाएगा। सौर ऊर्जा और शाकाहार से ही पृथ्वी का अस्तित्व बचेगा। विश्व पृथ्वी दिवस की पूर्व संध्या पर राजधानी के आयुर्वेद विशेषज्ञों ने पर्यावरण बचाने में मदद की अपील की। प्रशांत विहार स्थित उत्तरी दिल्ली नगर निगम में पंचकर्म अस्पताल के निदेशक डॉक्टर आरपी पाराशर ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले 1 साल में नदियों में बाढ़, जंगलों में आग और समुद्रों में तूफान ने पूरे विश्व में भीषण तबाही मचाई है। कोरोना महामारी भी इसका एक रूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किला पहुंचे और गुरु की ताकत और बलिदान को याद किया। अपने संबोधन में उन्होंने औरंगजेब से लेकर सीएए का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज की भावनाओं को शब्दों में बता पाना मुश्किल है। आज हमारा देश हमारे गुरुओं के आदर्शों पर चल रहा है। देश के कुछ राज्यों में बढ़ते संक्रमण के बीच ओमिक्रॉन के 2 नहीं बल्कि 8 नए वेरिएंट का पता चला है। इनमें से एक स्वरूप देश की राजधानी दिल्ली में भी मिला है, जिसकी पड़ताल इंसाकॉन्ग और नेशनल सेंटर फॉर डिसीजेस कंट्रोल के वैज्ञानिकों ने शुरू की है। जानकारी मिली है कि ये वेरिएंट हाल ही में विदेश यात्रा से दिल्ली लौटे एक कोरोना संक्रमित मरीज में मिला है। आईपीएल के 33वें मैच में चेन्नई सुपर्स ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराकर रोमांचक जीत हासिल की। चेन्नई की ये इस सीजन की 2री जीत है, जबकि मुंबई की लगातार 7वीं हार। 4 बार की चैंपियन चेन्नई ने मुंबई के 156 रन के लक्ष्य को आखिरी गेंद पर हासिल किया। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाए खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।